गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस के लिए डालने, क्या कि ये विंडशील्ड वगैरह थोड़ा सा क्रैक आ गया, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और एक दो पार्ट और चेंज करवाना था। गाड़ी अपन ने 30 तारीख को लिया था, एक साल की गाड़ी हो जाएगी अपनी 30 तारीख को, बर्थडे मनाएंगे इसका। अगर गाड़ी मिल गई तो मैं सोच रहा हूँ इसको डाल दूँ फटाक से, मतलब हो जाए। 6-7 दिन का टाइम उन्होंने बोला है, तो अपन चलो डालते हैं, देखते हैं क्या कैसी प्रोसेस रहती है, गाड़ी डाल के आते हैं। ओके, बस थोड़ा सी मेरी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो गई है, बस मैं कटवाने वाला था, फिर मैं सोचा थोड़ी दिन बाद कटवाऊंगा। सॉरी सर, मैं नहीं नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू लेट्स कंटिन्यू। तुमको हम एक राय से दिखा देते हैं, हमने चश्मा लगाया हुआ है क्योंकि धूप बहुत तेज थी, और मैंने लगाया हुआ है दो चश्मा। अगर किसी को चश्मा लगता है तो वो मेरी कॉपी कर सकता है, दो दो चश्मा लगा सकता है। देखो, कहीं धूप कहीं छाया है, राम तेरी माया, ऐसा कुछ डायलॉग है कि एक। सॉरी गाइस, तो गाइज अपन पहुंच चुके हैं एजेंसी। पता है यहाँ मेरे घर से ये कितने दूर है यार? हो सकता है मैं कोई दूसरी कार ले लिया होता तो फायदे में रहता। मेरे घर से है ये 124 किलोमीटर। बाकी मैं किया वालों से दरख्वास्त करूँगा कि एक शोरूम अपना कटनी में भी खोल लो, जिससे मेरे को 124 किलोमीटर दूर ना आना पड़े, है ना। तो अपन आगे बात करते हैं इनसे कि क्या कैसी प्रोसेस है इसकी। अब मैं बता रहा हूँ तुमको मैं क्लेम लेने किस चीज़ का आया हूँ। ये विंडशील्ड क्रैक यहाँ पे देखो दिख रही होगी, देखिए। तो ये कि विंडशील्ड चेंज करवाना था। मौसम बड़ा सुहाना है और अब ऑटो पकड़ के जाना है। पापा जी के गलत सिग्नेचर करते हुए। क्या बोल रहे हो? पहला प्यार है, पहली बार है। फाइनली ये गाड़ी अब हमने दे चुका है इनको 3 दिन के लिए। इन्हें बोला 3 दिन की प्रोसेस है, काम इजीली हो जाएगा और सिर्फ विंडशील्ड का हो रहा है। अब इनका क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, गाड़ी लेते वक्त, है ना। 3 days later हालत में शोरूम पहुंचते हुए हो गया। फाइनली अपने पास अपनी कार की चाबी आ चुकी है, अब देखते हैं अपनी कार कहां पे है। अरे ये है क्या? मैं बोला ये क्या हो गया मेरी गाड़ी पे। फाइनली ये लग गई नई विंडशील्ड में, पानी गिर रहा, अंदर बैठ के दिखाता हूँ। फाइनली 3 दिन के बाद अपन अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए, शाम के 6 बजे अपन ने उठा ली अपनी कार। समय के लिए तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि पुरानी विंडशील्ड दे दी है क्या मेरे को, बट फिर पता चला नहीं भाई, नई विंडशील्ड लगी है भाई। व्हाट अ फील। कुछ बोल लो सर। चलो ना भैया, जल्दी चलो ना भैया। चल रहे हैं, थोड़ी बुराई कर दूं यार, मैं बुराई ये कर रहा हूँ
मेरी गाड़ी की सर्विस सर्विस फुल करके दे दी है, बिल्कुल गाड़ी गाड़ी वॉश करके इतना चिकनापन कर दिया है इसमें कि मैं गाड़ी नहीं मोड़ पा रहे हैं यार। ये तक उसको भूख लगी पहले खड़े हुए जाके। चल जाते हैं अपन, मिलते हैं फिर। चलो चलते हैं अपन कुछ खाने वाने। ये मौसम की बारिश, ये बारिश कुछ बोल लग गया, क्या हो गया? आके दे देना यार भैया, यार आ रहे हैं आ रहे हैं। चलो सर बोल रहे हैं पार्किंग दे दो, शिवम बोलते हैं नहीं देंगे जा क्या करेगा। बोला गाली दे सकता हूँ क्या, दे 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 गाली। छोटे भाई लोगों को शॉपिंग करना था यार हमारे मॉल पर, हमारे शूज देखो। ब्यूटी क्वीन ये कौन है ब्यूटा? गाइस मैं आप लोग को आगे ब्लॉग में क्या दिखाऊं, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ जयश्री दीदी के लिए, ये गर्ल्स का सामान दिखाऊं, ये देखोगे आप लोग। चलो मत देखो, मैं आगे मिलता हूँ तुमसे। तो गाइस रात के बज चुके हैं 11, मैं जा रहा हूँ खाना पैक करवाने, खड़ा हुआ हूँ खाना पैक करवा के जाते हैं होटल लेने। अपना काम यही था, कार उठा ली है अपनी क्लेम के लिए जो गई थी, के लिए इतनी काफी है। कल के दिन में थोड़ा सा गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन होनी है तो उसका ब्लॉग अलग बनाता हूँ मैं। अपन पहुंच चुके हैं अपने होटल, यहाँ से दिखेगा नहीं थोड़ा सा, बस बात समझ जाइएगा। तो इस ब्लॉग को अपन यहाँ पे करते हैं एंड, जाते हैं थोड़ा सोते बोते हैं, सुबह उठना है और सुबह दूसरा ब्लॉग बनाना है। तो इस ब्लॉग को करते हैं अपन यहाँ पे एंड, जब तक इस ब्लॉग को आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जब तक आपके लिए दूसरा ब्लॉग रेडी रहेगा, है ना। तो टाटा।